नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड का पारंपरिक त्योहार और सांस्कृतिक पर्व सरहुल की चमक पूरे राजधानी रांची में दिखाई दे रही है। अलग अलग सरना स्थलों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। वही रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय भाषा विभाग में भी सरहुल का पर्व जोरों शोरों से मनाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक वेशभूषा पहनकर नाचते गाते दिखाई दिए और प्रकृति से जुड़े इस पर्व को उत्साह के साथ मनाया गया। वही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के राज्यपाल डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन और केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे। इनका स्वागत मांदर की थाप पर किया गया। वही राज्यपाल और अर्जुन मुंडा को भी पाहन ने भी विधि विधान के साथ सरना स्थल पर पूजा अर्चना कराया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा भी इस मौके पर अपने आप को रोक नहीं पाए और लोगों के साथ मांदर बजाकर नाचते नजर आए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सरहुल को प्रकृति संरक्षण का संदेश देने वाला पर्व बताया है। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में जहां पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है, ऐसे में इस प्रकार के त्योहार की अहमियत और भी बढ़ जाती है। यह पर्व मनुष्य को प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रेरित करता है। उन्होंने वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। वृक्ष है तो जीवन है। राज्यपाल ने ईद पर भी मुस्लिम भाइयों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह त्योहार सभी को संदेश देता है जिसे हमारा अस्तित्व बना है। पूजा प्रार्थना के माध्यम से हम लोग आह्वान करते हैं कि आने वाले दिनों का भविष्य अच्छी तरह बनी रहे, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। प्रकृति के साथ इस तरह हम जुड़ जाते हैं, हम अपने भावों को प्रकृति के जरिए प्रकट करते हैं। हमारे कारण किसी का अनिष्ट नहीं हो, कैसे हमें घुल मिल कर रहना चाहिए, जीना चाहिए, हमें यह पर्व सिखाती है। इसके बगैर ना हमारा अस्तित्व है ना ही कुछ और। हम उस समय कितना दुर्बल और निस्सहाय हो जाते हैं जब प्रकृति अपना रूप बदल देती है, इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि इनका ख्याल रखना चाहिए। Our elders have designed our life in such a way that we worship trees, we worship animals, we worship the nature, we worship the forest. The environmental safety and environmental protection is we are getting from these type of Sarhul Mahotsav. That is nowhere in the world that a celebration for protecting the trees, worshipping the trees as God, worshipping the nature as God is never celebrated in a big scale. That Jharkhand is a state where nature is being worshipped by every citizen of Jharkhand. This is a great day, this is a great festival. This makes us to feel we are from the nature and we have to contribute to the nature. Sir, today is the Sangam of three festivals, Eid, Chaitra Navami and Sarhul also. Yes, I already said my Eid Mubarak to every Muslim brothers and sisters and my best wishes to all the three festivals. Aaj Eid bhi hai aur Eid ka utsav ke liye main sabhi apne Muslim bhaiyon behnon ko bahut bahut badhai deta hu. के जो उत्सव है उस उत्सव के माध्यम से हम देश के प्रगति में, देश के विविध क्षेत्रों में विकास के नए मानकों को तय करने का संकल्प लें और उत्सव को अच्छे से मनाएं। सरहुल के जुलूस में भी शामिल हैं? नहीं, मैं कई कार्यक्रमों में आज व्यस्त हूँ। जहाँ जहाँ अवसर मिलेगा, समय मिलेगा, उस हिसाब से अब यहाँ उत्सव में मैंने कहा ना, प्रकृति का भाव तो हृदय से उभरती है, आप हमेशा मना सकते हैं। धन्यवाद सर। पूरे कैंपेन के दौरान आपको भी हम लोगों ने देखा, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, मांदर की थाप में, हरि कीर्तन में, सर क्या मैसेज है इतना बड़े त्यौहार का आज? निश्चित रूप से त्यौहार तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वास्तव में जीवन हमेशा कलात्मक होता है, सांस्कृतिक होता है। उस संस्कृति को हम किस तरीके से स्पंदन करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। देखिए, ये उत्सव समरसता,
सबके अस्तित्व को और उसके महत्व को समझने का है कि प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। ये संदेश जब खासकर सखुआ के पेड़ में, साल के पेड़ में जब नए फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो उस समय में लोग प्रकृति के साथ जुड़ करके उस उत्सव को मनाते हुए आने वाले दिनों की खुशहाली की कामना करते हैं। ये वैसे तो सभी को इसे मनाना चाहिए, ये उत्सव सबके लिए है, लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से उसको आदिकाल से लेकर के चल रहे हैं, कुछ अपने ढंग से अपने तरीके से लोग मनाते हैं। ये जो पूजा पाठ के बाद नृत्य गीत का आयोजन होता है वो ये प्रस्तुत करता है कि खुशी और उमंग को कैसे बांटा जा सकता है, उल्लास को कैसे बांटा जा सकता है। हंसी की कोई भाषा नहीं होती, हंसी अपने आप में एक भाषा है, खुशी एक अपने आप में भाषा है। मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए किसी भाषा का ज्ञान का जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत, वही भाव सरगुण। आज पर्व त्यौहार का दिन है, पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगी, ये सब लोग मिलजुल कर तय करेंगे कि क्या करना है।